कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है। वो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भी थे। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा के 30 स्टार प्रचारकों में से एक जगह भी दी थी, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी थे। आरपीएन सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्हें उत्तर प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। उम्मीद ये जताई जा रही है, आशंका भी इस पर जताई जा रही है कि वो पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यहाँ उन्हें लोग राजा साहब के नाम से भी जानते हैं। आरपीएन सिंह के इस्तीफा देने का असर झारखंड के हेमंत सरकार पर भी पड़ने की आशंका है। कांग्रेस के कई विधायक उनके करीबी माने जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही सरकार को गिराने का खेल भी चला था। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में बड़ा खेल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।